तो आज दोस्तों नमस्कार, आप देखो जी ऐसे मॉडल मैं हूं काश, लेके हैं आपके लिए नई वीडियो अनबॉक्सिंग Huawei मेट लाइट 10 की या फिर ऑनर 9 आई की। जी हां, आप लोगों की डिमांड थी इसका कंपैरिजन और सब करने की, तो डिवाइस हमारे पास आ चुकी है। पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या है, बाकी काम करेंगे बाद में। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें अनबॉक्सिंग है, हम बढ़ेंगे आगे। तो हाँ जी दोस्तों, ये रहा आपका Huawei मेट 10 लाइट, या अगर बोलो इंडिया में Huawei ऑनर 9 आई, उसके बाद चाइना में है Huawei माइम्यांग 6। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो यहां पर लिखा गया है Huawei माइम्यांग 6, ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहां पे Huawei माइम्यांग 6। तो अलग अलग नाम से अलग अलग रीजन में Huawei ने इसे लॉन्च किया है, Huawei हमेशा ही ऐसा करता है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें Huawei मेट 10 लाइट में या फिर जो भी हम बोल रहे हैं इसमें क्या हमें मिलता है। तो पहले हम ये सील को अगर ओपन करेंगे यहां पर, तो ओके, साइड से ये ओपन होगा और ऐसे कुछ हमें यहां पर मिल जाएंगे। आई मी स्टिकर बाहर आ गया, ओके। तो यहां पर हमें मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल जो उन्होंने ऊपर ही लगा रखा है। तो उसके बाद डिवाइस हमें कुछ ऐसे ही यहाँ पे मिल जाती है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और देखते हैं। तो ये रही डिवाइस, तो मैं डिवाइस को पहले ओपन करता हूँ, ओके। तो ठीक है, डिवाइस हमें कुछ ऐसे देखने में मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो, काफी बढ़िया मतलब फीलिंग है, इतना हैवी भी नहीं है, प्रीमियम फील है इसकी भी, काफी नोकिया 7 की तरह अगर हम देखते हैं और हैंडल करते हैं। बाकी आपके पास ऑनर 9 ही होगा, आपको पता ही होगा। मैं इसे बूटअप के लिए यहां पर रख देता हूं साइड में और हम देखेंगे अंदर हमें डब्बे के क्या मिलता है, ठीक है। एक मैनुअल, ठीक है, हाइब्रिड है, आप दो सेम या फिर एक सेम एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो जो कि 256 GB तक सपोर्ट करेगा। या कुछ और होगा, हमें साथ में मिल जाता है प्लास्टिक, यस प्लास्टिक का ये कवर, तो सही है, इसे हम रखते हैं साइड में। दूसरे डब्बे में देखते हैं तो चार्जर ही हमें ऑब्वियसली मिलेगा, यहाँ पर साथ में होगी केबल और एयरपीस। ये रहे एयरपॉड्स या एयरफोन या हेडफोन जो भी हम लगा लें। अगर यहाँ पर देखें हमें हेडफोन ठीक ठाक क्वालिटी के यहाँ पर मिल जाते हैं। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी नॉर्मल सी क्वालिटी है, कोई ऐसा इतना भी मतलब नहीं है। और साथ में ऐसे कुछ कॉल बटन का आपको मिल जाता है अगर आपने कट करना है यहाँ से तो, ओके। आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पे USB केबल मिलती है और क्या मिलता है, बाबा जी का ठल्लू। तो जो हमें सॉकेट यहाँ पर मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की नॉर्मल सॉकेट है, इसे हम टेस्ट तो करेंगे फास्ट चार्जिंग के साथ और मैं आपको दिखाऊंगा क्या ये फास्ट चार्जिंग कर पाता है ऑनर 7X की तरह, क्योंकि ऑनर ने तो किया था। और अगर बात करें केबल की तो केबल आपको कुछ ऐसे मिल जाती है, वही नॉर्मल USB वाली है, कोई फायदा नहीं इसे ओपन करके, हम ऐसे ही रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं डिवाइस को, डिवाइस ओपन हो गई है, उससे पहले आप स्पेसिफिकेशन इसकी देख लीजिए, मैं ऐसे तब तक सेटअप कर लेता हूं। तो हाँ जी, ऐसे कुछ हमें यहां पर मिल जाता है Huawei मेट 10 लाइट या फिर ऑनर 9 आई इंडियन यूजर के लिए। IPS पैनल दिया गया है, साइज है 5.9 इंच। रेशो की बात करें स्क्रीन की, 18:9 रेशो, 76.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलती है। पिक्सल में देखें 1080x2160 पिक्सल मिलते हैं। 409 PPI डेंसिटी मिलती है जो कि है पर पिक्सल इंच की। उसके बाद हमें मिल जाता है EMUI 5.1, वो आप जानते ही हो। एंड्रॉइड 7.1 के साथ आएगा हाई सिलिकॉन किरण, इसमें लगा है 659 जो कि ये ऑनर 7X में भी यूज करते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहां में मिलेंगे और GPU की सपोर्ट मिलेगी माली T830MP2 की। फ्रंट में बाकी दिए कंपोनेंट्स की अगर यहां पर बात करें, ड्यूल कैमरा सेटअप हमें मिल जाता है जो कि है मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.0 के साथ, साथ में सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का। अगर बात करें साथ में आपको मिल जाता है कान का स्पीकर, उसके नीचे ऑनर ब्रांडिंग। बैक पैनल की बात करें यहाँ पे हमें मेटालिक बॉडी मिलती है यानी मेटल की। एंटीना बैंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में रियर
फिंगरप्रिंट आपको दिया गया है। ड्यूल कैमरा की अगर बात करें तो कैमरा आता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, ऑटो डिटेक्शन और एलईडी फ्लैश आपको यहां पे मिल जाती है, जिसमें जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस स्माइल डिटेक्शन, पैनोरमा और एचडीआर आपको मिल जाता है 1080 at 30 फ्रेम पर सेकंड यानी कि फुल एचडी में। राइट साइड में हमें यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर बटन मिल जाता है। अगर बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर हमें हाइब्रिड सिम ट्रे कार्ड मिल जाती है, जिसमें आप एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम कार्ड यूज कर सकते हो जो कि 4G सपोर्टेड है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें 3.5 mm जैक मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में मिल जाता है माइक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है जो कि नॉर्मल चार्जिंग को सपोर्ट करती है, यूएसबी 2.0, साथ में ये सपोर्ट करती है OTG को भी, जी हाँ बिल्कुल, और 7X में भी हम वो चेक कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, तो ये भी सपोर्ट करेगा और अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। साथ में हमें मिल जाता है यहाँ पे स्टीरियो साउंड स्पीकर या फिर नॉर्मल स्पीकर, वो हम चला के देख लेंगे हम जब देखेंगे। ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर हमें मिलता है एक सेकेंडरी माइक जो कि डेडिकेटेड है वॉइस अपना कैंसिलेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों ये हो गए इसकी कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, बाकी हम बात करते हैं आगे और देखते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, ऐसे कुछ हमें ऑनर 9i, हुआई मेट 10 लाइट या माई मैंग 6 मिल जाता है। बाकी स्पेसिफिकेशन आपने देख ली हार्डवेयर की। यहां पर हम थोड़ा ओवरऑल बात करेंगे डिवाइस की, हैंडलिंग की, सॉफ्टवेयर की और थोड़े से फीचर्स की। अगर बात करें फिंगरप्रिंट, मैंने यहाँ पे लगा लिया था और काफी ज्यादा टच रिस्पॉन्सिव है, काफी एक्यूरेशन भी है, तो मेरे को बढ़िया लगा ये। तो अगर बात करें हम इसकी सॉफ्टवेयर की, तो ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्सेस एप्लीकेशन का मल्टी। उसके बाद अगर आपकी डिवाइस लॉक्ड है तो नीचे से आप अप करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सेस फास्ट वाला लॉक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सॉफ्टवेयर वर्जन की, यहाँ पर आप देख सकते हो माई मैंग 6 है, जो मॉडल नेम है RNEAL00 है, बिल्ड नंबर देख सकते हो EMUI5.1, एंड्रॉयड 7.0 यानी कि नौगढ़ आपको यहां पे मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें फोन स्टोरेज की, 64GB और 4GB की रैम जो हमें मिलता है रेजोल्यूशन डिस्प्ले का, वो मिलता है 1080x2160 यानी कि 18:9 का। सितंबर 2017 की यहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी जो कि लेटेस्ट है, बाकी मैं अपडेट में देख लूंगा क्या मिलता है बाकी। तो ये कुछ इसकी ऐसी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कैमरा की हम बात करें तो लेफ्ट स्वाइप में आपको मोड मिल जाते हैं, प्रो मोड, फोटो में प्रो मोड और काफी ज्यादा लाइट पेंटिंग, पैनोरमा, ऑडियो नोड, डॉक्यूमेंट स्कैन। ऑडियो नोड मैंने यहाँ ऑनर 7X में यूज किया और मुझे काफी बढ़िया फीचर लगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इसे कंपेयर करेंगे ऑनर 7X के साथ। राइट स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है रेजोल्यूशन वगैरह अगर आपने सेट जो करना है। उसके बाद अगर आप बात करो बाकी फीचर जो कैमरा ग्रिड वगैरह जो हमें मिलते हैं, तो सेम मतलब कि हुआवे का जो EMUI हमें फीचर देता है वही फीचर हमें सेम इसमें देखने को मिलते हैं। 7X के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो कुछ ऐसे डिवाइस दोनों देखने को मिलती हैं, साइज ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। तो साइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, ये व्हाइट कलर में है, ये ब्लैक कलर में है। जो डिस्प्ले रेशियो 18:9 है, ड्यूल कैमरा मिलता है आपको यहाँ पे ऑनर 9i में या माई मैंग 6 में, जबकि ऑनर 7X में सिंगल कैमरा आपको मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ब्रांडिंग है यहाँ पर हुआवे की और यहाँ पर ऑनर की है अगर आप देख पाओ तो। उसके बाद बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर कैमरा की पोजीशन में डिफरेंस है, यहाँ पे आपको दोनों कैमरा साइड में और एलईडी फ्लैश यहाँ पे मिलेगी, जबकि हुआवे 9i या मेट 10 लाइट में आपको यहाँ पे कैमरा और उसके ऊपर माउंटेड मिलेगी डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर से माउंट किया गया कैमरा और लाइट को। तो ऐसे कुछ आपको मिलता है, बाकी ब्रांडिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगर बात करते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ जी दोस्तों, वीडियो आपने देख ली, मॉडल था ऑनर 9i या फिर वाई मेट 10 लाइट। अगर बात करें इसकी बैटरी आपको 3340 mAh की मिल जाती है, OTG आपको सपोर्ट मिलता है, LED लाइट वी नोटिफिकेशन के साथ है। तो और भी लोग पूछते हैं कि इसमें कौन से सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, बाकी सेंसर की सबकी इन्फो आप GSM Arena या और कहीं पे भी पढ़ सकते हो, हमारा काम है आपको डिवाइस प्रॉपरली दिखाना और उसे कंपेयर करना। तो ऐसी कई चीजें हम स्किप कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, आपको ऑलरेडी पता होता है। तो चलिए अभी आप मुझे ये बताइए, मैं ऊपर पोल छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कि नोकिया या ऑनर 7X के साथ आप इसका कंपैरिजन पहले चाहते हो,
अगर हाँ तो उसमें बताइए, उसके बाद आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कंपैरिजन कौन सा चाहते हो, कैमरा का या कौन सा या कौन सा, उसी वोट्स के आधार पे मैं अगली वीडियो आपके लिए कल लेके आऊंगा। तो जल्दी से आप अपनी वीडियो में कमेंट और पोल को वोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से मॉडल के साथ आप कौन सा कंपैरिजन चाहते हो। हाँ जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए अपने सजेशन, सुझाव और क्वेश्चन। चैनल के ऊपर नए हो तो दबा दीजिए वो सब्सक्राइब बटन को, साथ में दबा दीजिए वो बेल आइकन को, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो ऐसी जा रहे हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हो, आप देखो वो वीडियो सबसे पहले। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बेल आइकन को दबाइए, ऑप्शन में जाइए और खुद जान जाइए ऑल के ऊपर टिक करके नोटिफिकेशन कैसे आता है। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही आप देखो जैसा मोरियन, मैं हूं काश, नमस्कार, खुश रहिए।